तो हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेडमी नोट 11 प्रो की, जो इंडिया में लॉन्च हुए उसे 2-3 मंथ हो गए हैं। तो आज जब इसका आप बॉक्स ओपन करते हैं तो बॉक्स के अंदर आपको एक केस मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, इसमें एडिटर टूल मिल जाता है, और बॉक्स के अंदर 67 वाट का सुपर फास्ट चार्जर मिल जाता है जो आपकी बैटरी को काफ़ी जल्दी फास्ट चार्ज कर देगा। तो हम बात कर लेते हैं इसकी लुक और डिज़ाइन। जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है, कैमरा वाम भी काफ़ी तगड़े तगड़े रखे गए हैं हिसाब से। तो आपको बैक में गोरे ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, और आगे भी गोरे ग्लास 5 मिल जाता है। तो हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले। तो आपको ये डिस्प्ले मिलती है 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमुलेड सुपर एमुलेड स्क्रीन, जो काफ़ी बढ़िया, उसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट और 380 आपको हर्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है, और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। जो आप इस पर कंटेंट वगैरह कुछ भी देखते हो आपको वो काफ़ी तगड़ा प्रोविड कराएगा। इतनी प्रीमियम डिस्प्ले दी है, कलर कंट्रास्ट काफ़ी ही बढ़िया देखने को मिलेगा, अच्छे से मेंटेन करेगा इसकी डिस्प्ले। सोमी वालों ने काफ़ी तगड़ा काम किया इस मोबाइल पर। तो आपको एक और चलते चलते बता दें कि इसमें खुशखबरी, आप में 2 वेरियंट में मिलता था 4G और 1 5G दोनों वेरियंट में। तो क्या कि सब कुछ सेम है, फिर प्रोसेसर अलग किया गया है जो, और इसमें आप 4G वेरियंट में तो आपको मीडियाटेक डायमंड सिटी G96 मिलता, जो 12 नैनोमीटर बेस्ट प्रोसेसर है, और ये आपको 4G वेरियंट में देखने को मिलेगा। और जो 5G वेरियंट है उसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 मिलता है, जो 5G है, ये काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। तो हम बात करते हैं, आपको 4G वेरिएंट में एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा, और 5G वेरिएंट में एंड्रॉयड 12 देखने को मिलेगा आउट ऑफ बॉक्स, ये काफ़ी अच्छी बात है, और इसमें सब कुछ सेम है। तो हम इसकी बात करते हैं बैटरी पार्ट। जो बैटरी पार्ट मिलता है वो आपको 5000 mAh की इसमें बैटरी मिलती है, जो काफ़ी तगड़ी बैटरी है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देगी, और आपको 1.5 दिन आराम से बैकअप दे देगी, इतनी अच्छी है। और 0 to 100 करने में आपको यही 40-45 मिनट मिनिमम लगेंगे, इतनी सुपर फास्ट चार्जिंग 67 वाट के। तो हम बात करते हैं इसके कैमरा पार्ट। जो कैमरा आपको मिलता है, प्राइमरी कैमरा मिलता है 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का डेप्थ, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, और 2 मेगापिक्सल का फोटो लेप। तो सेल्फी कैमरे की बात करते हैं, सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल, जो फोटो है वो काफ़ी अच्छी है, तो आप इससे 4K में वीडियो शूट कर सकते हो, बैक और रियर दोनों में से। तो आपको ये 4G वेरिएंट की प्राइस बता दें कि बेस्ट वेरिएंट 6GB प्लस 128GB की स्टोरेज, तो आपको इसमें मिलता है 17,999 मतलब आपको 18,000 में पड़ जाएगा। और जो 8GB प्लस 128GB वाला है उसमें आपको 19,999 मतलब 20,000 तक आराम से पड़ जाएगा। जो 5G वेरिएंट है उसमें आपकी प्राइस पड़ती है 39,000 मतलब 40,000 तक आपको ये पड़ जाएगा, और 6GB 128 वाला वो 42,000 में पड़ जाएगा 43 तक एट 128GB। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जो इसमें आपको कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिव वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट, डुअल 4G वोल्टिंग मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है, और वाईफाई 6 मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी। और 5G वेरियंट मिलते हैं आपको 11 बैंड, जो काफ़ी है, नेटवर्क की कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, तो काफ़ी तगड़ी बात है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि हर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।